ओके मैम एक हेडिंग इज टाइप्स ऑफ सिस्टम तो हम हेडिंग जो है आपका क्या टाइप्स ऑफ सिस्टम सिस्टम कितनी तरह के हो सकते फर्स्ट योर सिस्टम इज ओपन सिस्टम आप पहला जो सिस्टम है वो क्या पढ़ेंगे ओपन सिस्टम ठीक है तो ओपन सिस्टम में क्या होता फॉर एग्जाम्पल आप ये बीकर ले लो ठीक है आप इसमें रिएक्शन कराओ तो ओपन सिस्टम में क्या होता है यहाँ पे आपका एक्सचेंज हीट का भी होता है मतलब अगर आप रिएक्शन में हीट अगर दे रहे हो प्रोवाइड कर रहे हो तो आपका जो ये सिस्टम है अपना हीट सराउंडिंग से एक्सचेंज करेगा इसका हीट कहाँ जाएगा सराउंडिंग में साथ में मैटर का भी एक्सचेंज होता है मैटर मतलब मास का भी एक्सचेंज होता है सराउंडिंग करो? करो. तो में, तो तो हो में जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका जो मैटर है या मास है उसका क्या हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है और साथ में आपका हीट का भी एक्सचेंज हो रहा है तो ऐसा सिस्टम जिसमें हीट और

हीट की फॉर्म हीट भी बाहर जाता है सिस्टम और सराउंडिंग से तो आपके सिस्टम में अगर हीट और मैटर मैटर मास दोनों एक्सचेंज सराउंडिंग से इट ओपन सिस्टम ठीक है आप ओपन सिस्टम का डेफिनेशन लिख लो मैं लिखवा दे रही हूँ वॉट इज ओपन सिस्टम लिखना सिस्टम इन विच सिस्टम इन विच एक्सचेंज सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर मैटर के ब्रैकेट में आप लिख लेना मास कैन टेक प्लेस कैन टेक प्लेस ठीक है तो ऐसा सिस्टम जिसमें आपका एक्सचेंज एनर्जी और मैटर दोनों का हो उसको हम क्या कहते हैं इसको कॉल्ड ओपन सिस्टम इस कॉल ओपन सिस्टम ठीक है तो आप इसका एग्जांपल लिख लो ओपन सिस्टम आपका क्या हुआ आर ही ना, उपन, उपन आर इस इस है रिएक्शन इन ओपन रिएक्शन दिस इज एग्जांपल है इन ओपन कंटेनर दूसरा आपका क्या हो गया ह्यूमन बॉडी uh, uh, ले सकते फिर टीना कप आगे बढ़े विभूति आपने लिख लिया ये यस मैम अब सेकंड हम जो सिस्टम है वो क्लोज सिस्टम है ठीक है दैट इज क्लोज आप क्लोज सिस्टम क्या होता है मैं बता रही हूँ देखो अगर आप वाटर बॉईल कर रहे हो ठीक है और उस कंटेनर को बंद करके कर रहे हो आपस में कुछ रख दो मतलब कोई प्लेट रख दो तो आप देखना कि उसमें जो वाटर बॉईल होता है तो आप जब प्लेट को उठाओगे तो देखोगे इसके ऊपर वाटर बबल्स होते हैं देखा है आपने यस yes, मैम तो इसमें क्या होता है जब आप कोई मैटर को क्लोज कंटेनर में हीट करते हो या रिया करते हो तो आपका सिर्फ हीट एक्सचेंज होता है क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दिया तो आपका वॉटर है जो मास है जो मैटर है वो एक्सचेंज बाहर नहीं जा पा रहा सराउंडिंग में तो क्लोज कंटेनर में क्या होता है आपका सिर्फ एक्सचेंज ऑफ हीट होता है सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में मैटर नहीं जाता क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया प्लेट लगा दिया जिसकी वजह से तुम्हारा जो वॉटर वेपर वो बाहर नहीं जा पा रहा है तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है ऑनली एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर और मास बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग आया समझ में यस मैम ठीक है तो अब इसका डिफिनेशन में लिखवा दे रही हूँ क्लियर है राइट द डिफिनेशन द लिखो द सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ द सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ energy take place but exchange of matter your bracket molecular mass does not take place ठीक है तो एग्जाम्पल में आप लिख लो हॉट वाटर इन क्लोज हॉट वाटर इन हम थोड़े अमाउंट ऑफ मास तो होगा ना मतलब निकलेगा ना लाइक नेग्लिजिबल बट निकलेगा तो सही ना नहीं कैसे निकलेगा आप खुद देखना घर पे एक्सपेरिमेंट करना वाटर लेना ठीक है और उसको आप गैस स्टोव पे चढ़ा देना और उसको प्लेट से ढक देना तो आप देखना कि वो जब आप जब वो ढकोगे तो आप हीट तो बाहर आएगा एक्सचेंज होगा सिस्टम सिस्टमिंग पर मैटर नहीं होगा क्योंकि आप देखना जब प्लेट उठाते हो तो प्लेट के ऊपर सारे वाटर पेपर्स रहते हैं ना क्या होते हैं जब वाटर पेपर जब वाटर को हम बॉयल करते हैं वो पेपर के फॉर्म में ऊपर जाते हैं सराउंडिंग के पास पर देखते हैं कि ऊपर कंटेनर लगा हुआ है तो कंटेनर से जब वो टच होते हैं प्लेट से तो वो कंडेंस होकर फिर से वाटर बन जाते हैं तो कोई एक्सचेंज नहीं होता क्लोज कंटेनर में मास आपका बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा ठीक है सर हीट जाएगा तो नेग्लेजिबल भी नहीं होगा ओके। okay. तो आपका हॉट वाटर क्लोज कंटेनर और नेक्स्ट रिएक्शन इन अ क्लोज कंटेनर कोई रिएक्शन आप करवा रहे हो लैब में क्लोज कंटेनर में तो आगे बढ़े यस मैम अब जो थर्ड है आपका वो आइसोलेटेड सिस्टम है

तो देखो जब आप थर्मो फ्लास्क लेते हो उसमें अगर आप टी या हॉट वाटर रखते हो तो वो बहुत मतलब पांच छह घंटे तक वो गर्म रहता है क्यों रहता है क्योंकि इसमें ना ही हीट का एक्सचेंज होता है ना ही आपका मैटर का एक्सचेंज होता है तो आइसोलेटेड सिस्टम उसे कहते हैं देर इज एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम जब आपका हीट और मैटर दोनों में से किसी का एक्सचेंज ना हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम ठीक है

nor matter matter ke black like mass exchange takes place takes place between system and surrounding एग्जाम्पल आपका हो गया थ्री टी इन अ थर्मो फ्लास्क एक सेकेंड टी इन अ थर्मो फ्लास्क आगे बढ़े मैम yes, ठीक है आगे हम बढ़ते हैं अब हम जो इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना आगे हम पढ़ेंगे एक हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम मतलब कि हम दो स्टेट होता है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन मैं तुम्हें दोनों समझा रही हूँ ठीक है पहला तो हम लिखेंगे स्टेट फंक्शन देखो क्या होता है देखो मैं समझाती हूँ फिर डेफिनेशन लिखा दूंगी अगर मान लो आपका घर यहाँ है ठीक है इट इज योर हाउस यहाँ आपको स्कूल है ठीक है अगर आपको स्कूल पहुंचना सुबह के सात बजे ठीक है और आपको स्कूल जाने का रास्ता ये है ये है ये है, बहुत सारा रास्ता है घूम के जाओ फिर ऐसे घूम के जाओ तो स्टेट फंक्शन ये कहता है कि हमको इससे कुछ कोई मतलब नहीं कि आप कैसे स्कूल हो मुझे इससे मतलब है कि आप पहले कहाँ थे और बाद में कहा हो तो पहले आप घर पे थे छह बजे और सात बजे आप स्कूल हो ठीक है तो स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको तुम किस रास्ते से आई हो, पकड़ के आई हो हो स्टेट पकड़ के या फिर घूम के आई हो किस गली से आई हो उससे कोई मतलब नहीं है उसको मतलब ये है कि तुम पहले कहाँ थी अब कहाँ उसे हम स्टेट फंक्शन कहते हैं समझ में आए अभूति यस मैम स्टेट फंक्शन ये होता है कि तुम अगर तुम्हें घर से मार्केट जाना है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं तुम घर से मार्केट शॉर्टकट रास्ता से जा रही हो लॉन्ग कट रास्ता से जा रही हो पीछे के साइड से जा रही हो हमें जो मतलब है तुम्हारी इनिशियल इनिशियल तुम पहले कहा थी और फाइनल पोजिशन तुम अब हो उन दोनों पे, उन दोनों दोनों पे से हमें मतलब है हमें पाथ से बिल्कुल मतलब नहीं तुम कैसे आई कैसे गई उसी को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं इनिशियल और फाइनल होता कि पहले कहा थी फाइनल तुम हो ठीक है ओके मैम अब मैं तुम्हें नेक्स्ट बता रही एक पाथ पोजीशन से, मतलब से मतलब है कि आप यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे हो कै, किस तरह से पहुंचे हो? इधर घूम के पहुंचे हो या स्ट्रेट पहुंचे हो या फिर शॉर्टकट के पहुंचे हो दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन आप मतलब इनिशियल से जो फाइनल पोजीशन पहुंचे हो आप कैसे पहुंचे शॉर्टकट लेके या फिर लॉन्ग कट लेके या फिर स्टेट पाथ लेके तो उससे हमें मतलब उसके रास्ते से मतलब दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन ठीक है तो अब मैं दोनों का कोई डाउट तो नहीं स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन में नो no, मैम no. तो मैं स्टेट फंक्शन का डेफिनेशन लिखाऊंगी पाथ फंक्शन का डेफिनेशन लिखाऊंगी और इसके जो एग्जांपल्स लिखाऊंगी क्या क्या स्टेट होते क्या क्या पाथ वो तुम्हें याद करना पड़ेगा ठीक है तो वी विल मूव स्टेट फंक्शन का डेफिनेशन लिख लो स्टेट फंक्शन का डिफिनेशन है प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विच डिपेंड विच डिपेंड ऑन स्टेट स्टेट मतलब आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल, ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज, तो हम बात कर हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम यहाँ पे ऑफ छूट गया है ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विच डिपेंड ऑन स्टेट फाइनल और इनिशियल पोजीशन, मतलब आप शुरू में कहा थे बाद में कहा उस पर डिपेंड करो दैट इज कॉल्ड आपका स्टेट फंक्शन तो एग्जाम्पल लिख लो आपका प्रेशर होगा स्टेट फंक्शन टेम्परेचर होगा वॉल्यूम होगा एनर्जी होगी फ्री एनर्जी होगी ठीक है एंट्रोपी होगी होगी ठीक है पीस फॉर प्रेशर पीस फॉर टेम्परेचर वी फॉर वॉल्यूम ई फॉर एनर्जी जी फॉर गिफ्ट फॉर एनर्जी एच फॉर एंट्रोपी एच फॉर इंथेल्पी कुछ कुछ टर्म आपने नाम नहीं सुना सुनागा एंट्रोपी गिफ्ट एनर्जी वी विल टॉक लेटर ओके तो ये सारे आपके पांच स्टेट फंक्शन है जो फाइनल और इनिशियल पोजिशन पर डिपेंड करते हैं रास्ते से कोई मतलब नहीं वो कैसे पहुंचे एनी डाउट नो मैम अब देखो कोई भी गैस हो अगर कंटेनर में तो उसमें हम उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं प्रेशर को कर सकते हैं टेम्परेचर को कर सकते हैं वॉल्यूम को कर सकते हैं तो वही सब हम लिए यहाँ पे ठीक है अब आप नेक्स्ट लिख लो योर नेक्स्ट इज पाथ फंक्शन सॉरी यहाँ पे इंथेल्पी था पता है ना पीस फॉर प्रेशर टीस फॉर टीसरेचर वी वॉल्यूम ई एनर्जी जी गिव्स फ्री एनर्जी एस एंट्रोपी एच तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ उसमें से स्टेट फंक्शन कौन सा है तो यू हैव टू लर्न आपको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन दोनों मिक्स करके दे देगा फिर क्वेश्चन पूछेगा बताओ कौन स्टेट फंक्शन है कौन पाथ फंक्शन है तो वो आपको करना हो ठीक है थीके? तो अब सेकेंड आपका क्या है पाथ फंक्शन आपका पेपर कब है अभिभूति मैम अभी पता है नहीं इस ट्यूसडे के नेक्स्ट ट्यूसडे शायद से पीटी 4 फोर्थ फाइनलली ना अभी सिर्फ वो हो रहा है कुछ नहीं पता ओके okay. अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड depend on path through which final state is achieved. एग्जाम्पल में देख लो आपका दो ही होता है पार्ट फंक्शन एक तो आपका वर्क होता है जिसको हम डब्ल्यू से दिखाते हैं और आपका एक, एक होता है एन हीट जिसे हम क्यू से दिखाते हैं तो आप बस याद रखना कि आपका वर्क और हीट क्या है पार्ट फंक्शन बाकी जो बचा आपका क्या हो जाएगा स्टेट फंक्शन हो जाएगा हा है ना तो आप देख एक चीज और बता दे रही हो जो आपका फंक्शन है उसको हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं चाहे वो वर्क हो या फिर हीट हो और आपका जो स्टेट फंक्शन है उसे हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं पी टी वी दिख रहा है आपको तो ये भी एक डिफरेंस है आप एक इससे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन दे देगा प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम और वर्क तो बोलेगा इसमें से पार्थ फंक्शन कौन सा है यू हैव टू टेक वर्क अ पार्थ फंक्शन कोई डाउट नो no, मैम मेरी आवाज क्लियर तो आ रही है ना यस मैम ठीक है स्टेट फंक्शन तो आप समझिए कैसा आएगा यू हैव गिव चॉइसेस प्रेशर टेंपरेचर वॉल्यूम एंड वर्क एंड एंड यू हैव टू चूज व्हिच व्हिच इज इज पाथ फंक्शन फंक्शन स्टेट या डिफरेंशिएट करना होगा तो आप कर लोगे ना बस याद रखो जो आपका वर्क और हीट होता है वो पाथ फंक्शन होता है बाकी जो आपका रहेगा सब स्टेट फंक्शन रहेगा या फिर एक ट्रिक ये है कि जितने भी कैपिटल लेटर्स में रहते हैं वो स्टेट फंक्शन रहते हैं स्मॉल लेटर्स में आपके पाथ फंक्शन रहते हैं नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज extensive and intensive property एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी पहले हम बात कर रहे इस room में का वॉल्यूम है टेन लीटर क्या है टेन लीटर अगर मैं इसे बीस से डिवाइड कर दू तो, क्या डिवाइड हो जाएगा अगर no, मैं इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दू तो वॉल्यूम डिवाइड होगा no, नहीं होगा

मतलब मतलब उसको डिवाइड करने पे उसका जो क्वांटिटी कम हो जाए जैसे तुमने देखा मैंने दो के को अगर चार पार्ट में डिवाइड करूंगी तो मास क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे तो ऐसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करे मतलब डिवाइड करने पे वो भी डिवाइड हो जाए प्रॉपर्टी क्लियर है यहाँ देखना भी बूथ yes. यहाँ पे कॉल

हाँ वही ना तो अब ऐसी प्रॉपर्टीज जो जिसको हम डिवाइड करने पे वो चेंज ना हो अगर हम इसका अमाउंट डिवाइड करें रूम को चेंज ना हो उसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं इंटेंसिव तो जैसे वॉल्यूम ऑफ मास अगर हम डिवाइड करें तो आपका वॉल्यूम ऑफ मास डिवाइड हो जा रहा है ना बट टेम्परेचर इज नॉट डिविजिबल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है उसी को तो जो डिवाइड हो जा रहा है दट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है डिवाइड करने पे भी सेम है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी उट इंट इनिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन लिख लो ठीक okay, uh, है ना सिस्टम से जिसमें हम रियक्शन करा रहे हैं उसी को तो ऑब्जॉर्व करेंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम प्रॉपर्टी मतलब आपका कोई भी प्रॉपर्टी वॉल्यूम डेंसिटी कुछ भी प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच डिपेंड विच डिपेंड अपॉन विच डिपेंड अपॉन अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस

एनर्जी ऑल्सो डिवाइडेड गिवस फ्री एनर्जी एंट्रोपी जितनी भी एनर्जी होंगी एंट्रोपी एंथेल्पी एंट्रोपी इसको कैपिटल एस से दिखाते हैं एंथेल्पी इसको एस से दिखाते हैं

yes ma'am okay about public intensive property it does not it does not depend upon अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल आप लिख लो प्रेशर टेम्परेचर वेपर प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी डेंसिटी हो गया आपका स्पेसिफिक हीट सब पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वी विल डिस्कस सब हम पढ़ेंगे मोलर हीट कैपेसिटी पीएच पीएच तो समझते हो ना एसिडिक का पीएच okay. ठीक है मोलारिटी ये छोड़ दो मतलब यहाँ तक लिखो अब देखो तुम खुद देखो तुम्हारा जो है फॉर एग्जांपल मैं बात करू मेल्टिंग पॉइंट का ठीक है अगर तुम एक कप वाटर बॉइल करो या फिर एक मग वाटर बॉइल करो दोनों की बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगी सेम रहेगी ना यू नो वाटर बॉइल्स एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो चाहे आप एक कप वाटर बॉइल करो या फिर एक मग वाटर बॉईल करो ये बॉइलिंग पॉइंट विल बी सेम दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस तो ये डिपेंड कर रहा है अमाउंट पे ये अमाउंट पे डिपेंड कर, कर रहा है आपने एक कप वाटर बॉईल किया एक मग वाटर बॉईल किया दोनों की बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगी सेम 100 डिग्री तो क्या ये अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है इट विल डिपेंड अपॉन अमाउंट विभुती यस मैम अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है ये अगर आप मैं ये कह रही हूँ अगर आप एक कप वाटर बॉइल करो या फिर एक मग वाटर बॉइल करो तो क्वांटिटी मैंने एक कप कम लिया और एक मग ज्यादा लिया तो क्या दोनों की boiling point water के बॉइलिंग पॉइंट वाटर के चेंज हो जाएगी यू नो नो वाटर बॉइल क्या बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगी नहीं ना दोनों की चाहे आप एक मग लो या फिर एक जग लो दोनों की बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगी हंड्रेड डिग्री सी यस ठीक है एक एग्जांपल और देखो अब मैं इसमें तुम्हें आ, वन एम एसिड दू और इसमें तुम्हें टू एम एसिड दू क्या दो अगर एसिड समझते हो ना पीएच पीएच बताता है कौन कितने एसिड है तो क्या दोनों पीएच अगर हम पीएच पेपर डालेंगे तो क्या दोनों के पीएच अलग होगी अगर एसिड सेम है तो नहीं ना होगा पीएस तो सेम no, क्वांटिटी क्वांटिटी हाँ. पे डिपेंड नहीं करता तो याद रखना इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती इट विल बी फिक्स्ड ठीक है प्रेशर टेम्परेचर वेपर प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी इन ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी ठीक है ओके वी मूव नेक्स्ट अब मैं एक चीज और बताने जा रही हूं आपको रुक जाओ एक सेकेंड हाँ अब देखना बता रही हूं अगर आप दो इंटेंसिव नोट करके पॉइंट ये लिख लो फिर मैं लिखवाती हूँ ठीक है तो आप देखो अगर आप दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करोगे

ठीक है अब बताना इसमें कौन इंटेंसिव है कौन एक्सटेंसिव है विभूति टेम्परेचर और मास और वॉल्यूम में क्या मैम मैंने लिखा टेम्परेचर मास एंड वॉल्यूम तो इज एक्सटेंसिव एंड इज इंटेंसिव प्लीज हाँ मैं तुम्हें एक चीज और बता दे रही हूँ ट्रिक्स याद करो इंटेंसिव आयन से स्टार्ट होता है ना तो आय इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो जो मास से वो इंटेंसिव होगा समझ गई ऐसे ट्रिक याद कर लो तो अब बताओ टेम्परेचर मास और वॉल्यूम में कौन, कौन इंटेंसिव कौन एक्सटेंसिव कौन है मैम वॉल्यूम एक्सटेंसिव है हम्म और टेम्परेचर इंटेंसिव है हम्म और मास एक्सटेंसिव कोई डाउट तो कर लोगे ऐसे no, कुछ एग्जाम में आएंगे तो यस yes, मैम आपसे यही क्वेश्चन आएंगे कि बताओ कौन इंटेंसिव है कौन एक्सटेंसिव है तो आप प्लीज जितने मैंने एग्जांपल लिखाया है ना आप इसको लर्न कर लेना ठीक है और एक चीज और बता रही हूँ आप इंटेंसिव वाले में एक और एग्जांपल ऐड कर लो मोलारिटी आपने मोल्स में पढ़ा होगा मोलारिटी तो ये भी इंटेंसिव है और नॉर्मलिटी ये दोनों नोट डाउन कर लो आप इंटेंसिव वाले पार्ट में अब एक अब देखो मैं एक नोट करके एक पॉइंट लिख लो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट द रेशियो ऑफ द टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव क्या कह रहा है कि अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को तुम डिवाइड करोगी ना हमेशा वो इंटेंसिव मिलेगा अब देखो यहाँ पे तुम्हें पता है मास कौन सा है मास is extensive. मास is extensive, ना वॉल्यूम yes, you know? yes, से डिवाइड करोगी मैंने क्या लिखा है अगर तुम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करोगी तो तुम्हें क्या मिलेगा कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी

when we dividing both we will got got that, is density density hota hai mass by volume so aapka intensive hai note karke point likh le this is very important to so, theek hai aur ek last point all likhna have you done with this yes आप एक last point और लिखना जो extensive property है extensive प्रॉपर्टी इज एडेटिव आप एड कर सकते हो मान लो मैं लिख दू इसका मास एक के जी है और इसका मास एक केजी, तो मास के जी तो टोटल मास कितना हो गया अगर ये कोई ब्लॉक है इसका मास वन के जी इसका मास वन के जी तो टोटल मास क्या हो गया विभूति इज द टोटल मास

कि कितने प्रोसेस हो सकते हैं कैसे कैसे प्रोसेस हो सकते जब आप सिस्टम में रिएक्शन कराओ तो टाइप तो ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ठीक है तो अब देखो हम पढ़ेंगे पहला प्रोसेस है आपका आइसोथर्मल क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस अब देखो आइसोमींस होता है सेम आइसोमीस क्या होता है सेम और थर्मल मींस क्या होता है टेम्परेचर टेम्परेचर तो आप जिसमें रिएक्शन कर उसमें टेम्परेचर क्या है आपका सेम है फिक्स है कांस्टेंट है है हाँ ना अगर मैं इस बीकर में मैं रिएक्शन करा रही हूँ उसका टेम्परेचर सताइस डिग्री सी है अगर दो घंटे बाद चेक चेक करूंगी तब भी टेम्परेचर क्या रहेगा सताइस ही रहेगा ठीक है तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया एक सेकेंड होल्ड करना ओके okay, मैम तो अः हाँ विभूति मैं ये कह रही थी कि हाँमि क्या होता है सेम आइसोमिनचर तो आपका टेम्परेचर क्या रहेगा सेम कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं करेगी मान लो मैंने एक बीकर लिया ठीक है आई एम टेकिंग दिस बीकर और मैंने इसमें रिएक्शन कराया अगर इसमें इसका टेम्परेचर ट्वेंटी सेवन डिग्री सी है तो एक घंटे बाद भी क्या होगा सेम टेम्परेचर रहेगा चेंज करेगा विभूति आरो मैम तो नहीं, 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 एक रिएक्शन करा रहे हैं जहाँ पे आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हम आईसो थर्मल रख रहे हैं तो आपका टेम्परेचर सेम रहेगा चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा चेंज कैसे निकालते हैं हम फाइनल माइनस इनिशियल तो क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि कोई टेम्परेचर में चेंज ही नहीं हो रहा है तो आइसोथर्मल होता है आइसोमीन्स सेम थर्मल मीन टेम्परेचर तो आपका जो रिएक्शन कराएंगे हम या जो भी प्रोसेस कराएंगे सिस्टम में वो वो अगर हम में करा रहे हैं तो आपका आइसोथर्मल्परेचर क्या रहेगा सेम इट विल नॉट तो लिखो आइसोथर्मल में कुछ नहीं था टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टेम्परेचर आपका क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा और चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा जीरो हो जाएगा आपने देखा पहले से ताइस अभी तक हम चेंज कैसे निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल तो आपका ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन जीरो आ जाएगा कोई दिक्कत नो no, मैम अब देखो आपने पढ़ा होगा दो तरह का रिएक्शन होता है एक एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक कोई आइडिया है एक्सो इंडोथर्मिक के बारे में यस yes, मैम एक्सोथर्मिक में क्या होता है हीट रिलीज होता है यस मैम देखो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है हीट इज रिलीज्ड कोई कभी अगर आपने तो रिएक्ट किया नहीं है मे बी ट्वेल्थ में मौका मिले तो जब आप कोई बीकर में रिएक्शन कराओगे जब बीकर उसका नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो देखना कुछ देर बाद क्या है हीट रिलीज होता है जिसकी वजह से आपका बीकर क्या हो जाता है हीट हो जाता है तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है तुम्हारा हीट इज रिलीज फ्रॉम सिस्टम सिस्टम से हीट रिलीज होगा और हीट को हम uh, को एच से दिखाते हैं तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव नेगेटिव साइन सो कि हीट इज रिलीज याद रखना एंड एंडोथर्मिक कभी कभी कोई रिएक्शन करना ब्रिकर में देखना कूलिंग रिएक्शंस होते हैं इसमें ज्यादा ज्यादा एंडोथर्मिक में हां यू आर राइट yes, मैम इसमें क्या होता है हीट इज अब्सॉर्ब हीट क्या होता है हीट हम प्रोवाइड कर बाहर से हीट इज अब्सॉर्ब फ्रॉम कहाँ से हीट लेगा वो सराउंडिंग से ही लेगा आप आप देखो, आपको इसी ice को बाहर रख देते तो अपने मेल्ट कर जाता है ना? ना करता है ना? कैसे melt होता है? कैसे होता आपको पता है ना कि मेल्ट करने के लिए हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ता है तो आइस हीट कहाँ से लेता है सराउंडिंग से, से लेता है कहाँ से लेता है आपका वो कैसा रिएक्शन हो गया मेल्टिंग आइस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन मेल्टिंग आइस इज एंडोथर्मिक रियाक्शन ही तो आपका डेल्टा कैसा हो जाएगा पॉजिटिव ही रिएक्शन एनी डाउट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन नो मैम नेक्स्ट आपका प्रोसेस है आइसोकोरिक नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसो कोरिक आइसोमीन्स क्या होता है मैंने बताया आइसो मीनस क्या होता है सेम और कोरिक मतलब होता है वॉल्यूम क्या होता है आपका वॉल्यूम सेम रहेगा मान लो आपने एक रिएक्शन कराया ठीक है उसमें आपने रिएक्टेंट लिया एक लीटर कितना लिया एक लीटर और रिएक्शन होने के बाद भी आपका वॉल्यूम क्या रहे एक लीटर तो आपका वॉल्यूम क्या है फिक्स है सेम है इट विल नॉट चेंज तो मैं आपसे पूछू की बताओ वॉल्यूम में क्या चेंज आया है तो क्या आया है जीरो नो चेंज मतलब पहले भी एक लीटर था बाद में भी एक लीटर तो जीरो चेंज हो गया तो आपका क्या होता है आइसोक्वेरिक में वेन वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट मतलब डेल्टा बी इज इक्वल टू जीरो नो मैम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे आइसोबारिक ये तुम बताओगी गेस करना क्या होगा

डाउट नो है बताना सेम होता है बारिक मींस क्या होगा प्रेशर तुमने सुना ना बार होता है प्रेशर का यूनिट तो आपका प्रेशर क्या रहेगा सेम रहेगा तो लिखो प्रेशर इज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सेम कांस्टेंट कहते हैं प्रेशर इज कांस्टेंट मतलब आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा मतलब चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा जीरो मतलब अभी आपका मान लो रिएक्शन करा रहे हो इसका प्रेशर वन एटीएम है थोड़ी देर बाद इस रिएक्शन जो करा रहे हैं जिस बीकर में उसमें वन ही एटीएम प्रेशर है तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा जीरो आगे बढ़े विभूति समझ आया यस yes, मैम आइसोबारिक आइसोकोरिक वी विल मूव ओके okay, आगे बढ़ रहे हैं तो अब आप देखो अब हम नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है द फोर्थ वन प्रोसेस इज एडिया बेटिक प्रोसेस इसमें क्या होता है ना आपका हीट कांस्टेंट रहता है हीट इज कांस्टेंट मतलब आपका चेंज इन हीट हीट को क्यू से दिखाते हैं वो जीरो होगा जैसे थर्मोफ्लास्क देख लो आप उसमें हीट का को कोई एक्सचेंज नहीं होता तो हीट का क्या होगा चेंज जीरो होगा तो आइडिया में क्या होता है हीट एक्सचेंज जो होता है हीट इज कॉन्स्टेंट बोलो या फिर लिख लो हीट एक्सचेंज इज जीरो तो so, एडियोबेटिक में क्या होगा आपका जो हीट है वो बिल्कुल चेंज नहीं करेगा वो क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक है, रहे है। एक लास्ट जो फिफ्थ प्रोसेस प्रोसेस पढ़ना में, पढ़ना है, है साइक्लिक में कोई डाउट तो नहीं फिफ्थिको मैम no, अब जो नेक्स्ट पढ़ना है हमें साइक्लिक प्रोसेस पढ़ना है क्या पढ़ना है साइक्लिक प्रोसेस तो देखो साइक्लिक प्रोसेस में नहीं हो जैसे मान लो अगर तुम यहां से चली ठीक है और फिर वापस तुम यही पहुंच गई तो तुम कितना चली तुमने पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मान लो तुमने मान लो तुम यहां से यहां गई ठीक है दो मीटर का रास्ता था वापस वही आ गई ठीक है तो डिस्टेंस देखा जाए तो तुमने चला दो प्लस दो चार मीटर चला तुमने ठीक है बाकी तुम अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो तुम्हारे फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है तो अब तुम पहले भी यही थी और अभी भी यही हो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जीरो समझ में आ डिस्टेंस वो होता है कि तुम किसे मान लो यहाँ पे कि डिस्टेंस तुम्हारा पाथ फंक्शन है और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा स्टेट फंक्शन है तो स्टेट फंक्शन तुम्हारे फाइनल और और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है और पाथ फंक्शन कितना तुम तुम चल रही हो तो अब देखो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, तुम यहां थी और यहां गई फिर वापस आ गई तो तुम टोटल कितना चली 4 मीटर चली तुम्हारा पाथ फंक्शन कुछ ना कुछ होगा अगर मैं बात करूं स्टेट फंक्शन डिस्प्लेसमेंट की तुम पहले भी यहीं थी बाद में यही है। तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या हो गया जीरो कोई चेंजेस नहीं आया तुमको पहले भी यही देखे थे बाद में भी यही देखे तो ये पांच फंक्शन इज जीरो मान लो तुम पहले यहाँ थी फिर चल के वापस यही आ गए की अगर पांच तुम्हारा स्टेट फंक्शन देखो तो हम स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर देखते हैं. तुम पहले भी यही थी और अब भी यही हो तो तुम्हारा स्टेट फंक्शन क्या होगा जीरो

स्टेट फंक्शन तो स्टेट फंक्शन तुम्हारे फाइनल और फाइनल uh, और इनिशियल मान लो तुम हटाओ वर्क डन सर समझो साइकिल मान लो तुम्हारा वॉल्यूम पहले एक लीटर था अभी हमने वर्क डन नहीं पढ़ा पढ़ाया तुम्हें समझ में नहीं आएगा अभी तुम इतना ही समझो कि साइकिल तुम जहां थी वापस चल के वहीं आ गई तो आपका हो गया स्टेट फंक्शन तो वो जीरो होगा क्योंकि आप जहां थी वापस वहीं आ गई और पांच फंक्शन कुछ ना कुछ होगा क्योंकि आप हमें पांच फंक्शन में आपके रास्ते से मतलब आप जहां चल रही थी ठीक है तो आप लिख लो साइक्लिक प्रोसेस आगे समझ में आ जाएगा मैं तुम्हें समझा दूंगी जब मैं वर्कडन पढ़ाऊंगी तो ठीक है प्रोसेस इन विच यहां पे इन छूट गया प्रोसेस इन विच इनिशियल इनिशियल एंड फाइनल स्टेट

in cyclic process change in a state function is always zero but path function is not zero but path function is not zero उट आगे बढ़े ठीक है अब हम पढ़ाएंगे रिवर्सिबल और इ रिवर्सिबल प्रोसेस तुमने पहले नाम सुना होगा रिवर्सिबल और इ रिवर्सिबल का यस yes, मैम तो रिवर्सिबल क्या होता है फॉर so में तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा केमिस्ट्री में पढ़ा वापस तुम बर्फ से पानी बना सकती तो इस प्रोसेस को रिवर्सिबल, जो वापस तुम्हें वो मिल जाए ठीक है इरिवर्सिबल क्या होता है जैसे तुमने दूध से दही बनाया दही से दूध बना सकती हो नो मैम वो कैसा प्रोसेस हो गया कोई डाउट नो मैम अब आगे बढ़े अब मैं तुम्हें अब तुम्हारा जो अब मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ थर्मोडाइन उसके टर्म में तुम्हें समझाती तो हूँ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है ठीक है मान लो तुमने एक कंटेनर लिया ठीक है और कंटेनर को एक लिड से बंद कर दिया ठीक है ऐसा लिड है कि वो फ्लेक्सिबल है मतलब मूव कर सकता है ठीक है तो अब अगर मैं यहाँ पे छोटा सा पत्थर रखू तो ये थोड़ा सा नीचे खसक जाएगा खसकेगा यस yes, मैम अगर पत्थर हटाओगे तो वापस वहीं चला जाएगा फ्लेक्सिबल yes, है समझो yes, ये मूव अप एंड डाउन कर सकता है जाएगा तो अब ये रिवर्सिबल हो रहा है यस मैम अगर मैंने एक और पत्थर रखा थोड़ा सा और नीचे चला गया अब मैं दोनों एक पत्थर हटाऊंगी तो यहाँ पहुंचेगा दोनों पत्थर रंग वापस यहाँ चला तो ये रिवर्सिबल yes, प्रोसेस हुआ अगर मान लो एक बीकर ही है मतलब तो एक तुम्हारा जो सिस्टम है ठीक है उसमें मैंने यहाँ पे कंटेनर लगाया उसमें मैंने आर के जी का बड़ा सा पत्थर रख दिया तो डायरेक्ट क्या आएगा वो यहाँ पहुंच जाएगा यस yes, मैम तो फिर यहाँ से वो वापस नहीं जा पाएगा ठीक है तो ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है जो छोटे छोटे स्टेप में करूं और उसको उस, रिमूव करने पे वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाए इज रिवर्सिबल और एक ही बार मैं कर दूं मैं पूरा पत्थर एक ही बार डाल दूं तो डायरेक्ट नीचे पहुंच जाएगा वो वापस आने के चांसेस नहीं है डेट इज इ रिवर्सिबल प्रोसेस तो अभी हम इसको रिलेट करेंगे वर्क डन में तुम टेंशन नहीं लो अभी हम अच्छे से पढ़ाएंगे इसको बस अभी समझा रहे रिवर्सिबल क्या होता है और रिवर्सिबल क्या होता है तो आप हेडिंग दो रिवर्सिबल और औरबल और स्टेटमेंट लिख लो ठीक है आप ऐसे करो एक कॉलम बनाओ यहां पे आप लिखो रिवर्सिबल प्रोसेस यहां पे लिखो इरिवर्सिबल प्रोसेस आपका जो रिवर्सिबल प्रोसेस है पहला लिखो पहला पॉइंट लिखना लो रिवर्सिबल में प्रोसेस न बी रिवर्स प्रोसेस विच कैन बी रिवर्स मतलब हटा दिया तो वापस वो आ गया तो स्मॉल चेंज इसी को एक तरह से समझो लिखना नेक्स्ट प्रोसेस इसमें पॉइंट लिखना प्रोसेस विच कैन नॉट बी कैन नॉट बी रिवर्स small स्मॉल चेंज अगर मैंने चार चार किलो का पत्थर छोटा छोटा डाल दिया मतलब ये आपका बीकर लिया मैंने नॉर्मल यहाँ पे देखो और मैंने यहाँ पे छोटे छोटे सारे पत्थर एक ही बार में डाल दिए पूरे तो वो तुरंत नीचे चला जाएगा अब एक पत्थर हटाने से क्या वो वापस जाएगा नहीं ना जाएगा वापस पूरे पत्थर हटाएंगे तब ना तो यही लिख रहा है कि प्रोसेस इसमें स्मॉल चेंज करने पे रिवर्स नहीं होता है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया नेक्स्ट लिखना नेक्स्ट लिखना आ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप टेक प्लेस मतलब अब देखो रिवर्स में हमने क्या किया छोटा सा पत्थर डाला फिर यहाँ घंसका फिर हमने छोटा सा पत्थर डाला फिर यहां इसमें तो कह रहे कि इसमें बहुत ज्यादा मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेके मैंने बहुत सारा स्टेप डाला है तो लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स और इसमें क्या किया था तो मैंने इरिवर्सिबल में एक ही बार में पूरा पत्थर डाल दिया था तो उसमें हम क्या लिखेंगे वन लार्ज स्टेप टेक्स प्लेस एक ही बार सारे स्टेप ले लिया वन लार्ज वन लार्ज स्टेप टेक प्लेस कोई मैम no, आगे बढ़े अब yes, पढ़ने का मन है ना यस yes, मैम ठीक है तो अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं वर्कडन के बारे में ठीक है वर्कडन क्या होता है वॉट इज वर्कडन समझाऊंगी फिर बताऊंगी कैसे वो फॉर्मूला आया है ठीक है देखो यहां पे एक मैंने पिस्टन लगाया ठीक है मैं प्रेशर लगा रही हूँ पी एक्सटर्नल तो मान लो आपका वॉल्यूम पहले यहाँ वी वन था जब मैंने प्रेशर लगाया तो ये यह यहां पहुंच गया होगा तो अब वॉल्यूम क्या हो गया वी टू तो जो आपका डन होगा वो होता है एक्सटर्नल प्रेशर एन टू चेंज इन वॉल्यूम तो आपने जो प्रेशर लगा एक्सटर्नल अब वॉल्यूम चेंज क्या हो रहा है फाइनल माइनस इनिशियल होगा yes, तो का यही हो गया प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम तो आप इस फॉर्मूला यूज करके सारे वर्कडाउन निकाल सकते हो ठीक है अगर okay. मैं आपका डेरिवेशन कराऊं तो देखो डेरिवेशन ऐसे करा सकते हैं हम इसका देखो आपने पढ़ा है ना प्रेशर क्या होता है फोर्स बाय एरिया होता है प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया हाँ ना? और आपने पढ़ा होगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, होता, distance, है? तो अब मैं के के क्या आपका क्या हो गया प्रेशर इंटू एरिया इंटू एस एस मतलब डिस्टेंस डी अब देखो प्रेशर तो हो गया अब बताओ एरिया में क्या होता है लेंथ होता है और ब्रेथ होता है और आपका एक और मैंने डिस्टेंस ले लिया हाइट तो एल इंटू बी इंटू डिस्टेंस डी तीनों मिलकर क्या बन जाएगा आपका वॉल्यूम बन जाता है तो आपका फॉर्मूला यहां से भी डिराइव हो सकता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम कोई डाउट नो मैम तो आपको वर्क का फॉर्मूला याद रखना प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम ठीक है अब एक चीज देखना अब यहां देखना या...

अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंप्रेशन कर रहे हैं ना कंप्रेस कर रहे हैं ना पहले यहाँ वॉल्यूम था जब यह यहाँ आ गया तो क्या कर रहे हैं हम कंप्रेस तो अब याद रखना जब वर्क डन में आप कंप्रेस कर रहे हो तो आपका जो नेगेटिव साइन लगता है मतलब प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम ठीक है अगर आप एक्सपेंशन कराओ मैं समझाऊंगा एक्सपेंशन कराओ तो आपका वर्क डन होता है पी इंटू चेंज इंटू वॉल्यूम पॉजिटिव ही रहता है कोई दिक्कत देखो कैसे मान लो ये आपका बीकर था ठीक है आपका पहले वॉल्यूम वी वन था अब मैंने अंदर से प्रेशर लगाया तो एक्सपैंड होके यहाँ आ गया तो अब बता ना, V2 बड़ा कि बड़ा कौन बड़ा होगा V2. तो अब फाइनल माइनस इनिशियल करो V2 मैंने सेन तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा मान लो आपका वी वन yes. एक लीटर था बी टू दो लीटर हो गया तो टू माइनस वन क्या आ गया वन पॉजिटिव इसलिए आपका एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है अगर मान लो कंप्रेशन में मान लो पहले आपका दो था पहले वन अब वन हो गया तो वन माइनस टू क्या होगा नेगेटिव तो आपका कंप्रेशन में नेगेटिव आता है कोई डाउट तो वर्कडन क्या होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम अगर आपका एक्सपेंशन हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव